बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार की तुलना पाकिस्तान से कर दी थी। अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी संजय जायसवाल के बयान का समर्थन देते हुए कहा कि बिहार में पिछले एक सालों से आपराधिक घटनाओं में जो वृद्धि हुई है वो काफी चिंताजनक है। हर दिन बिहार के विभिन्न जिलों में अपराध की घटनाएं घट रही हैं और पुलिस प्रशासन सरकार अपराधियों पर नकेल कसने में सफल नहीं हो रही है। इसके बाद जेडीयू की तरफ से पलटवार किया गया था और आज एक बार फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पहले जेडीयू के नेताओं को एक बार पाकिस्तान भ्रमण कर लेना चाहिए कि वहां की स्थिति क्या है। इस दौरान उन्होंने लल्लन सिंह पर भी हमला बोला। भैया जेडीयू कह रहा है तो मैं तो कह रहा हूँ कि उन लोगों को एक बार पाकिस्तान जाकर भ्रमण करना चाहिए, वहाँ की महंगाई देखनी चाहिए, वहाँ के आतंक राज को देखना चाहिए। मैं किसी देश पे नहीं कह रहा हूँ, चूंकि जदयू के लोग बोल रहे हैं तो आज यह अपरोक्ष रूप से भारत की जनता पाकिस्तान मुर्दाबाद कहती है, जदयू आरजेडी कांग्रेस के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले लोग हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद कहिए और वहाँ पाकिस्तान को जिंदाबाद कहने वाले जदयू के लोग देख रहा है कि आज पाकिस्तान के जिंदाबाद लगाने वाले लोग क्या है? जिंदाबाद है ना यार। पाकिस्तान की विधि व्यवस्था कितनी चौपट है, पूरा दुनिया पाकिस्तान के विषय में जान रही है। पाकिस्तान की जनता मोदी मोदी भारत 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 जैसा हमारी व्यवस्था लग कर है और ये पाकिस्तान जिंदाबाद 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 पाकिस्तान का गुनगान है। इन लोगों का दिमाग समाप्त हो गया है, दिमागी दिवालियापन है और भारत के संविधान में निष्ठा नहीं है, भारतीयों पर इनको विश्वास नहीं है, इनको पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर विश्वास है। मालूम है कि लोग क्या करते हैं पाकिस्तान के साथ सुर से सुर मिलाकर, यह देश के लिए बहुत ही आपत्तिजनक है। कोई देशभक्त व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता। ललन जी को संविधान समझ में आता है? बिल्कुल नहीं। अंबेडकर जी के संविधान को जितना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 9.5 वर्षों में सही मायने में अंबेडकर जी के संविधान के भावनाओं के अनुरूप देश की सेवा की है, गरीबों की सेवा की है, दलित वंचितों की सेवा की है, समाज के लिए जितनी योजनाएं चलाई है, यह आज़ादी के इतिहास में पहली बार इतना काम किया गया है। पंचतीर्थ अंबेडकर के नाम पर कौन बनाए? माननीय प्रधानमंत्री जी संविधान को आज तक ठीक से न पढ़े होंगे, न समझे होंगे, न उसकी भावना को ललन जी आरजेडी के जदयू कांग्रेस के लोग नहीं समझते होंगे। उसी अंबेडकर जी को लोकसभा में जाने से रोकने वाली कांग्रेस की गोद में है। संविधान का मजाक नहीं था क्या? 74 में आपात काल घोषित किया गया, इमरजेंसी लागू की गई, लोकतंत्र की हत्या की गई, वही कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र की और संविधान की रक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते कल राजगीर में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन ने कहा है कि यदि 2024 में नरेंद्र मोदी पीएम बन गए तो बाबा साहब का संविधान समाप्त हो जाएगा। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।